और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो नेक्स्ट क्लास जो है आज हम इसमें आज टॉपिक पढ़ेंगे सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो के अंदर तीन ऑप्शन होते हैं। हम जब भी कोई कमांड करें या जब भी कोई ऑप्शन पढ़ें तो प्रेजेंटेशन थोड़ी सी तैयार करके उस पे इफेक्ट डाल लें। इफेक्ट डालने से क्या होता है कि समझ आ जाता है। जैसे एक्सेल में हम काम करते थे बिना लिखे हम अगर करते हैं ना तो वो फिर समझ नहीं आता। इसलिए अपनी प्रेजेंटेशन पे एक आधा इफेक्ट डाल के काम करना है ताकि हमें पता लग जाए कि क्या चेंज हो रहा है। कोई प्रेजेंटेशन बना दी मैंने, अब जो है स्लाइड शो में ये कमांड पढ़नी है हमने सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे। तीन ऑप्शन कौन कौन से हैं? लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, इसको एक बार हम दोबारा छोड़ देते हैं। सिंपल हम अपनी स्लाइड को शो करके देखेंगे। हम जब स्लाइड शो करते हैं तो लास्ट स्लाइड आने के बाद एंड ऑफ स्लाइड शो लिखा हुआ आ जाएगा। एंड ऑफ स्लाइड शो आ गया, इसका मतलब है इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है प्रेजेंटेशन में। अब जब हम एक ऑप्शन पढ़ेंगे सेटअप शो लूप, लूप का मतलब होता है चलना, कंटिन्यूसली लगातार, अंटिल जब तक ESC एस्केप की प्रेस ना करें, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। ओके, अब स्लाइड शो करेंगे। स्लाइड शो करने के बाद देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड आ रही है। दोबारा फिर रिपीट हो गई। ऑप्शन का नाम क्या था? लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, जब तक रिपीट होती रहेंगी, जब तक एस्केप की नहीं दबाएंगे। वेलकम नाम की फर्स्ट स्लाइड है और थैंक यू नाम से लास्ट है, तो फिर से आ जाएगी रिपीट, जब तक होती रहेगी जब तक हम एस्केप की नहीं दबाएंगे। कैंसिल नहीं होगा, एंड ऑफ स्लाइड शो नहीं होगा। एस्केप प्रेस की है मैंने तो ही हमारा यहाँ पे कैंसिल हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका चेकबॉक्स का क्लिक हटा देना है। ये नरेशन रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ चलेगा। शो विदाउट एनिमेशन, पावर पॉइंट में दो प्रकार के एनिमेशन होते हैं। एक तो होता है कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन में क्या होता है, सिलेक्ट टेक्स्ट और पिक्चर पे इफेक्ट डलता है। कस्टम एनिमेशन में क्या होता है, पूरी स्लाइड पे एक ही इफेक्ट एक बार में डलता है। अब यहां पे शो करना है विदाउट एनिमेशन, बिना एनिमेशन के शो करनी है। ओके करेंगे, स्लाइड शो करेंगे। इसमें यह रहेगा कस्टम एनिमेशन वाला इफेक्ट नहीं दिखाएगा, एनिमेट वाला इफेक्ट तो दिखाएगा। तो हमने स्लाइड शो करना है। देखें पूरी स्लाइड वाला शो एनिमेशन आया है, बाकी कोई एनिमेशन नहीं आता। बाकी कोई का मतलब है कस्टम एनिमेशन के जो इफेक्ट डाले थे वो नहीं दिखाएगा, ओनली एनिमेट वाला इफेक्ट ही शो करेगा।
क्लिक हटाना है दोनों का। थर्ड ऑप्शन है शो स्लाइड। शो स्लाइड में क्या है, ऑल में हम देखते हैं कि सारी स्लाइड आती हैं हमारी। फ्रॉम यहां पे मैंने कर दिया 3 to 4 या 2 to 3, 2 से 3 देखनी है तो 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है। ओके, अब देखेंगे 2 नंबर वाली स्टार वाली है, 3 नंबर वाली रैपिड वाली है, बाकी नहीं आएंगी। स्लाइड शो करेंगे, 2nd नंबर वाली आएगी, 3rd वाली आएगी, उससे बिफोर एंड आफ्टर जो थी वो नहीं आएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे किया है कि हमें ये ही देखनी है। ऑल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो सारी शो करेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है मैनुअली यूजिंग टाइम। ये जो ऑप्शन है, हम यहाँ पे टाइम की सेटिंग के ऑप्शन होते हैं, इसलिए इनको यहीं से पढ़ना है। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड स्लाइड। सेलेक्ट स्लाइड को हाइड करना, छुपाना। कैसे छुपेगा, जो यहां पे तो कुछ चेंज नहीं होगा, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके हाइड कर दिया, हाइड करने के बाद कलर चेंज हो गया, अब क्या होगा, प्रेजेंटेशन जब हम देंगे तो ये स्लाइड शो नहीं होगी। 2nd स्टार वाली है, स्लाइड शो करेंगे, F5 दबाया, फर्स्ट आ गई, जिसपे स्टार था वो 2nd है, वो नहीं आई। तो जिसको हाइड करना है उसको हाइड कर सकते हैं, यहां तो रहेगी बट प्रेजेंटेशन जब देंगे, प्रेजेंटेशन हमेशा फुल स्क्रीन पे दी जाती है, स्लाइड शो करके देनी है। जब भी आप कभी दें लाइफ में, वापिस हटाने के लिए अनहाइड, मल्टीपल को सिलेक्ट करना है तो मल्टीपल सिलेक्ट भी करके कंट्रोल प्लस लेफ्ट बटन क्लिक करके मल्टीपल सिलेक्ट हो गई, अब जो है 2 स्लाइड हाइड हो गई। वापिस अगर हटाना है अनहाइड, अनहाइड हो गई। नेक्स्ट है रिकॉर्ड नरेशन। माइक्रोफोन अटैच करके ये ऑप्शन चलेगा, ये नहीं कराया है। रिहर्स टाइमिंग, यहां पे भी हमने टाइम सेट किया था, यहां पे भी टाइम सेट का ऑप्शन है। अब इसमें देखना क्या होगा, फुल स्क्रीन पर स्लाइड हो जाएंगी और हमारी स्लाइड अभी वर्टिकल में है, इस पे क्लिक करने के बाद स्लाइड का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे कितनी सेकंड के बाद नेक्स्ट, यहाँ 2nd चल रही है, मुझे रोकना है, पोज 2 सेकंड पे ही रुक गया, 8 सेकंड क्या आया है, अभी तक हमने अपनी प्रेजेंटेशन में 8 सेकंड का टाइम डाल दिया। तो ये जो था पोज, हटाएंगे इसको, यहाँ पे फिर नेक्स्ट करेंगे। एवरी न्यू स्लाइड का टाइम 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारा मैसेज आया है टोटल 18 सेकंड, 18 सेकंड का टाइम हमारा सेट हो गया। इसके अंदर एक और है, डू यू वांट टू कीप द न्यू स्लाइड टाइमिंग व्हेन यू व्यू द स्लाइड शो, व्यू स्लाइड शो F5। जब हम स्लाइड शो करें तो हमने ये टाइम रखना है, हाँ रखना है, मैंने यस कर दिया। अब देखो, एक तो ये हॉरिजॉन्टल में हो गई और दूसरा यहां पे इनके नीचे लिखा आया है, 1st सेकंड पे हमारा टाइम 5 सेकंड, 2nd पे 6 सेकंड, 3rd पे 4 सेकंड और इस पे जो है 2 सेकंड। अब हमने स्लाइड शो करना है, 18 सेकंड में सारी चलेंगी, हमने कोई भी की प्रेस नहीं करनी, 18 सेकंड में अपने आप चलेंगी। अब सबसे पहले तो वर्टिकल करना है स्लाइड को, व्यू टैब में जाके नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से स्लाइड शो में आएंगे,
यहाँ से लगाया था, ये इसी का ऑप्शन है। हटाना कहाँ से है? एनिमेशन से हटेगा। यहाँ पे जो है ऐसे हटा देंगे, क्लिक भी हटाना है, जीरो भी करना है, हटेगा भी एक एक का, एक बार में एक मल्टीपल भी हट जाएगा, फिर दोबारा से फिर हटाना पड़ता है, तो इसलिए एक बार में एक को सिलेक्ट करना है और इनका क्लिक हटा देना है। इसी के साथ ही स्लाइड शो कंप्लीट हो गया हमारा टैब। रिव्यू टैब में सेम ऑप्शन है एमएस वर्ड के, फर्स्ट है स्पेलिंग एंड ग्रामर, देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट, मोटा मोटा वैसे सारा पढ़ रखा है वर्ड एक्सेल में। यहाँ नोट एंड डिक्शनरी, कंप्यूटर की डिक्शनरी में ये नहीं है, जैसे हमारा थैंक यू गलत लिख रखा है मैंने, भाई मुझे चाहिए थैंक, तो हम यहाँ पे रिज्यूम करेंगे। इग्नोर करना है, अंडरलाइन आई है, अंडरलाइन हट जाएगी। रेड कलर की अंडरलाइन स्पेलिंग के लिए आती है, ग्रीन की ग्रामर के लिए आती है। रिसर्च साइड में टास्क पेन आ जाती है, किसी भी वर्ड का मीनिंग, जैसे थैंक यू का मीनिंग सर्च करना है, यहाँ पे ऑल रेफरेंसेस बुक कर दो या यूएसए कर देना, तो जैसे थैंक यू के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं वो शो करता है। केसर्स में भी सेम है, ट्रांसलेट में अलग है, तीनों में खुलता एक ही है रिसर्च। यहाँ पे जैसे थैंक यू का ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश यूएसए लैंग्वेज में से, हमने करना है पंजाबी इंडिया, तो जैसे पंजाबी इंडिया में इसने दिखाया है, वैसे तो ये गूगल ट्रांसलेटर करके, गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करके आप पॉसिबल है करने का। नेक्स्ट है लैंग्वेज, इंग्लिश यूएसए ही होती है, वर्ड में पढ़ा था। मार्कअप, पहले कमेंट लगाएंगे, थैंक यू के बारे में कुछ लिखना है यहाँ लिख दिया, मार्कअप कमेंट को हाइड एंड शो करने का काम करता है। एडिट कमेंट, अभी जैसे एडिट कर्सर इसके अंदर आ गया, कुछ चेंज करना था हमें, चेंज हो गया। प्रीवियस नेक्स्ट, पहले एक बार एक से ज्यादा कमेंट लगा लें, प्रीवियस पिछले कमेंट पे कर्सर जाएगा, नेक्स्ट से अगले पे आएगा। डिलीट ऑल मार्कअप ऑन द करंट स्लाइड, डिलीट से सारे हट गए, एक एक हटाना था या कई हटाने थे, इसके अंदर और भी ऑप्शन थे। ऑल मार्कअप इन प्रेजेंटेशन, डिलीट कमेंट, एक ही बार में डिलीट करना है, या यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है डिलीट, एक को डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट की का यूज करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा रिव्यू टैब कंप्लीट है। उसके बाद व्यू बच्चों हम कल की क्लास में करेंगे, व्यू के ये सात ऑप्शन नए हैं, बाकी सारा हमने किया हुआ है, तो इसलिए जो है ये कल करेंगे, कल की क्लास में पावर पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आया है तो पूछ लो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।